क्षेत्र के मजिगना एवं सलीमपुर मुरंग खदान में ओवरलोडिंग और अवैध खनन की शिकायत पर बुधवार जिला खनन अधिकारी मिथिलेश पांडे खागा, उप जिलाधिकारी प्रहलाद सिंह एवं क्षेत्राधिकारी अंशुमान मिश्र, राजस्व टीम व क्षेत्रीय थानाध्यक्ष खनन क्षेत्र पहुंचे तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहां टीम के पहुंचने से पहले खनन संचालक पूरी तरह से सतर्क थे। गाड़ियों की लोडिंग बंद करा दी गई थी, सभी खाली वाहनों को लाइन से लगवा दिया गया था एवं कुछ मोरंग लदे वाहन थे जो कुछ आसपास के गांव एवं गलियों में छिपा दिए गए थे। टीम ने करीब एक घंटे तक मजिगना खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया, परंतु जांच टीम को कुछ भी अवैध नजर नहीं आया। अंततः खनन सीमा पर बड़े खंभे लगवाने की चेतावनी देते हुए टोकन काउंटर पर गाड़ियों की एंट्री के रनवे समेत कई अभिलेख लेकर टीम वापस लौट गई। टीम देर शाम धाता थाना क्षेत्र के सलीमपुर खदान पहुंची, जहां रास्ते पर कई ओवरलोड ट्रक मिले पर चालक फरार थे। फिर टीम ने खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां खनन एवं लोडिंग रोक दी गई थी। ओवरलोड वाहन गांव की गलियों में छिप गए थे, परंतु यहां रास्ते पर कई ओवरलोड ट्रक के सिवा कुछ नजर नहीं आया। खनन अधिकारी मिथिलेश पांडे ने बताया कि अवैध खनन की शिकायत पर टीम खदान पहुंची थी, जहां पर न अवैध खनन मिला एवं न ही ओवरलोडिंग। खागा SDM ने बताया कि दोनों खदानों के निरीक्षण में अवैध खनन नहीं मिला। सलीमपुर व रानीपुर के रास्ते पर करीब आधा दर्जन ओवरलोड ट्रक मिले हैं, जिन पर सीज की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।